अंधी भी हो गई थी एंड बहरी भी हो गई थी ठीक है बॉर्न इन एटीन हंड्रेड एंड एटी एट अ टाइम वेन ब्लाइंड डेफ पीपल वर लाइकली टू बी कंसाइंड टू द पुअर हाउस और असाइलम शी वेंट टू लिव अ फुलर एंड मोर एडवेंचरस लाइफ दैन मैनी बिफोर और सिंस सो एटीन एटी की बात है तो तब तो कोई अगर डिजेबल्ड होता था है ना कोई अगर अंधा होता था या बहरा होता था तो उसको अजाइलम में या फिर उसको ऑस्ट्रोसाइज कर देते थे मतलब सोसाइटी से अलग कर देते थे ठीक है लेकिन आ, वो जो थी शी वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन दैट शी लिव्ड अ फुलर लाइफ तो उसने ऐसा नहीं फील किया कि मेरी लाइफ में कुछ कमी है शी हैड अ फुलर लाइफ एंड शी वॉज मोर एडवेंचरस दैन मैनी बिफोर और सिंस और उसकी लाइफ एडवेंचर से रोमांस से भरी हुई थी डिस्पाइट बींग ब्लाइंड एंड डेफ इट वॉज अ क्लियर इट वॉज क्लियर दैट हेलन हैड अ रिमार्केबल गिफ्ट फॉर कम्युनिकेशन शी लर्न टू रीड एंड राइट ब्रेल एंड टू रीड लिप्स बाय फीलिंग द शेप्स एंड वाइब्रेश फॉर्म्ड बाय पीपल्स माउथ एज दे स्पीक तो शी वॉज वेरी गुड एट कम्युनिकेशन तो उसको एक बाई बर्थ गिफ्ट मिला था ट शी कुम्येट उसको समझ में आता था शी हैड दिटी टू लर्न राइट सो शी लर्न टू रीड एंडल बेटा एक तरह की लिपी होती है ठीक है क्योंकि उसमें क्या होता है शब्द जो है वो उभरे होते हैं तो उसको वो फील करके अः uh, जो ब्लाइंड पर्सन है वो पढ़ पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है एंड शी ऑल्सो रेड लिप्स तो अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसके लिप्स को पढ़ के भी वो समझ पाती थी को क्या बोल रहा है ठीक है एंड दिस फॉर्म ऑफ लिप रीडिंग इज वन इज़ वन दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड फ्यू पीपल एवर मैनेज टू डू सक्सेसफुली सो शी वॉज अ वेरी टैलेंटेड वुमन एंड दिस स्टोरी जो हम अब आज पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ एक्चुअली एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर नॉवल उसका एक छोटा सा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल ठीक है ओ डायरेक्टली स्टार्ट विद द स्टोरी तो इस स्टोरी में हेलन कैलर अपने खुद के एक्सपीरियंसिस की बात करती है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसिस की बात करती है ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन माई लाइफ इज द वन ऑन विच माई टीचर अंडर लाइन एंड मैं मैं फील्स टू लिवन केम टू मे I am filled with wonder when I consider the immeasurable contrasts between the two lives which it connects. तो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा मेमोरेबल सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट महत्वपूर्ण दिन कौन सा है मुझे आज भी याद है जब मेरी टीचर कौन एन सुलेवन उसका नाम है वो मेरी लाइफ में आई थी और मेरी लाइफ जो है वो बहुत वीरान थी और इट वाज फिल्ड विद वंडर एन कहती मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ इट रियली अमेज मी जब मैं दोनों लाइव्स को कंपेयर करती हूँ इमेजरेबल इमेजरेबल दैट कैन नॉट बी मेजर जिसको आप माप ही नहीं सकते मेजर ही नहीं कर सकते तो इतना ज़्यादा कंट्रास्ट है दोनों लाइव्स में कौन सी जो कि मिस उलेवन के आने से पहले थी और जो लाइफ मेरी मिस उलेवेन के आने के बाद थी ओके इट वॉज अ थर्ड It was the 3rd mar of March, 1887, three months before I was seven years old. So, time, Miss Sullivan life. Okay, uh, on the afternoon of that eventful day, I stood on the porch, dumb and expectant. I guessed vaguely from my mother's signs and from the hurrying to and fro uh, in the house that something unusual was about to happen. So it was an eventful day. Eventful means pretty busy day. Kafi busy day and me was angan me dumb and expectant. मीन्स चुपचाप खड़ी थी डम मीन्स क्लूलेस मुझे कुछ पता नहीं था क्या हो रहा था घर में एंड एक्सपेक्टेंट लेकिन लग रहा था कि कुछ होने वाला है आई गेस्ट वेगली वेगली मीन्स यू नो नॉट क्लियरली मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ मेरे मदर के यू नो साइन से जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी हरिंग टू एंड फ्रो मीन्स टू मीन्स टू एंड फ्रो मीनस आगे पीछे तो इधर उधर आगे पीछे भाग रही थी मेरी मदर सो so, मुझे उससे ये आइडिया हुआ दैट समथिंग दट अबाउट टू हैपन अनयूजअल मीन्स समथिंग दैट इज नॉट यूजअल जो कि कॉमन नहीं था कुछ अलग होने वाला है सो आई वेंट टू द डोर एंड वेटेड ऑन द स्टेप्स तो मैं जाके सीढ़ियों के पास बैठ गई दरवाजे के पास the afternoon sun penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch and fell on my upturned face so i was sitting on the porch i was sitting on the stairs and the afternoon sun penetrated the uh, sunbeams are thi, thi, and honeysuckle ki it is a flower to which baby wo uh, sunlight एंड पूरा आंगन जो था वो हनी सकल फ्लावर से भरा हुआ था एंड इट ऑल्सो फेल्ट फेल ऑन माई अपटर्न फेस और वो जो सनलाइट uh, थी सन बीम्स थी वो मेरे चेहरे के ऊपर भी पड़ रही थी ठीक है नाउ okay I just where is it yes so my finger lingered upon uh, almost unconsciously on the familiar leaves and blossoms which had just come forth to greet the sweet southern spring to इतने सारे फूल क्यों थे क्योंकि बाहर का मौसम था spring थी so बहुत सारे फूल खिले हुए थे and मेरी uh, fingers जो थी अनकॉन्शियसली मतलब बिना रियलाइज़ किए ऐसे ही न फूलों के ऊपर अपने फिंगर्स को लिंगर कर रही थी लिंगर मीन्स बेसिकली यू नो टचिंग दैम तो उनको मैं ऐसे ही uh, बिकॉज वो देख नहीं पाती थी तो वो ऐसे ही फील करती थी अपनी सराउंडिंग को तो ऐसे ही वो फील कर रही थी सो आई डिन नॉट नो वॉट द फ्यूचर हेल्थ ऑफ मार और सरप्राइज फॉर मी मुझे नहीं पता था फ्यूचर में मेरे साथ क्या होना होने वाला था Anger and bitterness had preyed upon me continually for weeks, uh, underline very important, and a deep languor had succeeded this uh, passionate struggle. Anger and bitterness had preyed upon me continually. So, um, a, a bitter we cannot even, uh, you know, we cannot even realize how a seven year old would feel. Joki, uh, कुछ महीने का ही था बच्चा वो अंधा हो गया और वो बहरा हो गया और जाहिर है जो वो बहरा है वो दे के नॉट स्पीक राइट बिकॉज दे के नॉट हियर एनीथिंग तो वो uh, कुछ देख नहीं पाती कुछ सुन नहीं पाती एंड शी हर लाइफ इज बेसिकली डार्क इट इज़ ब्लैक उसको कुछ दिखाई नहीं देता सो शी हैड यू नो सच अ स्टॉर्म ऑफ इमोशंस इनसाइड हर उसको पता भी नहीं होता था कि उसको कैसे एक्सप्रेस करे कैसे उसको दिखाए भी तो मेरे अंदर कहती है गुस्सा और नफ़रत और बिटरनेस भरी करवाहट भटी भरी हुई थी एंड अ डीप लैंगर हैड सक्सीडेड दिस पैशनेट स्ट्रगल लैंगर क्या होता है लैंगर इज बेसिकली लेजीनेस तो uh, ये जो अंदर मेरे इतना तूफान था स्ट्रगल था पैशनेट स्ट्रगल था उसको कहीं ना कहीं वो दब गया था

फॉग क्या होती है धुंध है ना तो इतनी ज़्यादा धुंध हो डेंस मीन्स बहुत ज़्यादा गहरी हो कि आपको कुछ दिख नहीं रहा एंड व्हेन इट सीम्स एज इफ अ टेंजिबुल वाइट डार्कनेस शट यू इन तो इतनी डार्कनेस हो कि वो ऑलमोस्ट टेंजिबुल है टेंजिबुल मीन्स समथिंग दैट यू कैन टच जिसको आप पकड़ सकते हो टच कर सकते हो मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा है वहाँ पे एंड अ ग्रेट शिप टेंस एंड एंक्शस और उस अंधेरे में समंदर के किनारे एक शिप है ठीक है वो चलती जा रही है ग्रोप ग्रोप क्या होता है बेटा आप अगर आंखें बंद कर लो और आपको कोई चलने को गए तो आप कैसे चलोगे हाथ अपने आगे आगे करके चलोगे ना सो दैट यू के नॉट यू डू नॉट हिट विद सम तो आप ऐसे जैसे चलते हो वो क्या होता है ग्रो करना मतलब अंधेरे में ऐसे कुछ ढूंढना जो आपको कुछ दिख नहीं रहा तो वो शिप जो है एक अंधेरे में वो अपनी अपना रास्ता जो है वो ग्रो कर रही है ढूंढ रही है ठीक है टूवर्ड्स तो द शोर आ, किनारे की तरफ आने की कोशिश कर रही है विद प्लमिट एंड साउंडिंग लाइन प्लमिट क्या होती है बेसिकली बेटा यू नो you know, बेसिकली प्लामिट क्या होता है कि हाई लेवल से आप जब लो लेवल पे आते हो सी uh, साइड से समंदर से एंड साउंडिंग लाइन क्या होती है कि जिससे आप बेसिकली आप इक्विपमेंट होती है एंकर वगैरह से आप पता चलता है आपको कि कितनी डेप्थ रहेगी है कितना आप शोर पे किनारे के पास आ गए हो मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि शिप जो है वो किनारे के पास आने की कोशिश कर रही है उस घुप अंधेरे में यू वेटेड विद बीटिंग हार्ट फॉर समथिंग टू हैपन तो आप वेट कर रहे हो एंक्शियसली टेंशन में आप वेट करते हो कि आप किनारे पे बिल्कुल पहुंचने ही वाले हो टेंशन कब होती है जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता आपको पता नहीं कि आपके आगे क्या है आई वज लाइक दैट शिप फोर बिफोर माई एजुकेशन बिगैन तो मैं भी उस शिप की तरह उस बेड़ी की तरह ही थी जो कि अंधेरे में बस चली जा रही है उसको पता नहीं कि आगे क्या आ जाएगा शोर उसको मिलेगा किनारा मिलेगा मतलब उसको कोई उम्मीद दिखेगी लाइफ में या नहीं तो मेरी जब एजुकेशन शुरू हुई उससे पहले मेरी लाइफ उस शिप जैसी ही थी सो शी इज जस्ट ट्राइंग टू यू नो अस हर स्टेट अपनी हालत बताने की कोशिश कर रही है थ्रू दिस एग्जाम्पल दिस एनालॉजी ठीक है ये कंपेरिजन से नाउ कहती मेरी लाइफ भी ऐसी ही थी Only I was without compass और साउंडिंग लाइन मेरे पास कोई कंपस नहीं थी जिससे मैं डायरेक्शन पता कर सकती मेरे पास कोई एंकर नहीं था साउंडिंग लाइन नहीं थी मुझे कुछ नहीं पता है एंड आई हैड नो वे टू नो हाउ नियर द हार्बर वॉज ठीक है हार्बर क्या होता है किनारा ठीक है To port. कहते हैं, मुझे पता ही नहीं कि मेरी मेरा किनारा किनारा मतलब मेरा uh, कहाँ पे थी uh, मेरी तकदीर कहाँ पे लेके जा रही थी मुझे लाइट गिव मी लाइट वाज द वाज द वर्डलेस क्राई ऑफ माय सोल तो मैं बस यही प्रे किया करती थी प्लीज शो मी लाइट मतलब कुछ तो मुझे उम्मीद दिखाओ कुछ तो किरण दिखे मुझे दिस वॉज माई वर्डलेस क्राई वर्डलेस बिकॉज शी के नॉट स्पीक वो कुछ बोल तो पाती नहीं लेकिन उसकी सोल से यही एक आवाज निकलती थी एंड द लाइट ऑफ लव अंडरलाइन शोन ऑन मी इन दैट वेरी आवर एंड फाइनली आई रिसीव दैट लव लाइट दैट वेरी आवर मतलब उसी दिन ही मुझे जो मैं चाहती थी वो मिल गया हाँ जी बेटा